श्रेणी के शिक्षा के अंदर आके हमें यह शिक्षा मिली है कि हमारी हिम्मत सी बन गई है कि हम किसी से कभी डरेंगे नहीं और अपना काम करने पे हमेशा अटल रहेंगे। ब्लॉक में यहाँ पे सहजनी शिक्षा केंद्र जो 2002 से चल रहा है और लड़कियों के शिक्षा और उनकी क्षमता विकास पे काम करता है। ये संगठन जो है, जो समूह है, संस्था है, ये लड़कियों के लिए जगह जगह जाकर के एक समूह तैयार करती है और उनकी शिक्षा को आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो लड़कियां आगे नहीं पढ़ रही हैं, घर में रुक गई हैं, तो उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करता है। अभी यहाँ पे 5 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है जिसमें लड़कियों के लिए जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता है उनके हक अधिकार के बारे में समझाया जा रहा है और उनको ट्रेनिंग दी गई है कि वो किस तरह से अपने हक अधिकार की बात करें, लोगों के सामने खड़े होके अपनी बात को रख पाएं। हम लोग यहाँ सहजनी शिक्षा केंद्र में कुछ जानकारी पाने के लिए आते हैं और हमारी दीदियों ने इन 4 दिनों में बहुत सी जानकारी दी है, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, संविधान के बारे में और जल्द विवाह के बारे में कि जल्द विवाह क्यों होता है और चप्पल प्रथा के बारे में हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। और जैसे कि हमारे गांव में कुछ प्रथाएं चलती हैं, दहेज प्रथा, चप्पल प्रथा और छुआछूत भी चलता है हमारे गांव में, तो हमारी दीदी और समझाती हैं कि तुम समझोगी जभी तो अपना गांव समझ बना पाओगी कि जैसे आप समझ गए हम समझ जाएंगे यहां से, तो फिर हम अपने गांव में जाएंगे तो गांव में कुछ जो लोग उसे कहेंगे कि ये नहीं कि तुम छुआछूत करो, सभी समान है। इस संविधान में तो नहीं लिखा है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन संविधान में तो सभी समान लिखे हैं इसलिए, लेकिन दलितों के लिए हमेशा नीची जाति नीचे ही देखते हैं सभी लोग, इसलिए दलितों को दीदी हमें सहायता देती हैं। दलितों के बारे में ये लोग जो औरत के ऊपर हिंसा होती है, इसलिए दीदी उन पे जाने जी के उनके घर जाती हैं जिनके ऊपर हिंसा हो और सहायता देती हैं उनके लिए। मैंने यहाँ आने से कुछ बहुत सारी बातें सीखी हैं, मुझे यहाँ आना अच्छा भी लगा है और हम लोगों ने यहाँ के आके मतलब और अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिली। जैसे कि बताया दीदी लोगों ने बताया कि बाल विवाह में मतलब जैसे कि छोटी लड़कियां हैं उनकी शादी कम उम्र में हो जाती है तो वो अच्छे से ना ही पढ़ पाती हैं, ना ही लिख पाती हैं, ना ही कुछ मतलब बनने की भी कोशिश भी नहीं करती कि हम पढ़ लिख के कुछ बन जाएं। और माँ बाप भी मतलब शादी कर देते हैं छोटी उम्र में, तो छोटी उम्र में क्या शादी करना अच्छी बात है? आने वाली और पीढ़ियों को हमारे शिक्षा मिलेगी और हमारे जो गाँव अनपढ़ लोग हैं औरतें हैं और तो औरतें भी पढ़ सकती हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। हमेशा हम लोग गांव-गांव जाकर यह शिक्षा दे सकते हैं कि आप लोग पढ़ सकते हैं, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है और हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे दलित जाति के लोगों को हमेशा जैसे चप्पल प्रथा आएगी तो चप्पल पहन के कुएं पे नहीं जाने देते हैं पानी भरने के लिए, और जैसे कि दरबार लगता है बोलते हैं गांव में कि दरबार लगा है तो वहां पे भी चप्पल पहन के नहीं निकलने देते हैं। और कई प्रकार से पंचायतों में भी ये फैसला किया जाता है कि हमें यहाँ पे ये चप्पल पहन के आई है और इसके लिए हमें सजा देनी पड़ेगी, लेकिन जो नारी शक्ति जिस नारी के अंदर शक्ति होती है और वो समझदार होती है, पढ़ी लिखी होती है, तो वो अपनी हिम्मत बनाकर यह कहती है कि नहीं हम इसके खिलाफ जाएंगे और हम नारी हैं तो क्या हुआ, हम चप्पल पहन के क्यों नहीं निकल सकते हैं। अभी जो आपके यहाँ कार्यशाला चल रही है लड़कियों के साथ, तो कितनी लड़कियाँ हैं और क्या कार्यशाला है? अभी जो कार्यशाला चल रही है लड़कियों की, तो इसमें लड़कियाँ हैं 40, तो इनके साथ में जो नेतृत्व का काम चल रहा है, जो किशोरियाँ हैं इनके साथ में शिक्षा साक्षरता उनके नेतृत्व को लेके कार्यशाला थी। ये कब कब कार्यशालाएँ होती हैं? जी हम लोग बीच में ब्रज कोर्स करते हैं किशोरियों के साथ में, और बीच में इस तरह की कार्यशालाएँ भी करते हैं जिसमें लड़कियों को डिजिटल वाली चीज़ें भी सिखाते हैं और जाति जेंडर और शिक्षा को जोड़ते हुए उनको एक सोच बनाते हैं। किस तरह लड़कियां जुड़ पाती हैं, कितना मतलब जैसे कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है लड़कियों को घर से निकालना और आप यहाँ तक सेंटर तक लाती हैं, तो कितनी चुनौतियां का सामना करना पड़ता है? जो हमारी किशोरियाँ जो समूह बने हैं गाँव में, हर गाँव में से 20 से 25 किशोरियाँ हैं, तो उनमें से हम लोग 2-2 किशोरियों को यहाँ निकालते हैं कि हर
हर दूसरे महीना या हर महीना में मतलब उनकी जो यहाँ पे कैंप होगा या कार्यशाला होगी उनमें वे आती हैं, तो उनको हम यहाँ पे जैसे घर से निकलने का एक मौका मिलता है, और दूसरी जो उनके साथ में भेदभाव हो रहे हैं, पढ़ने नहीं देते लड़कियों के लिए, तो उन मुद्दों पर हम लोग भी यहाँ पे उनकी एक समझ बनाओ जिससे लड़कियाँ अपनी भी मुद्दा रखती हैं, तो जो उनकी मम्मी पापा से बात करके उनका एडमिशन कराते हैं जिनके माँ बाप पढ़ाते नहीं हैं, और अगर उनको ज़रूरत है तो हम लोग उन टीचर से भी बात करते हैं, गरीब हैं उनकी पढ़ाई के लिए मम्मी पापा पैसा नहीं दे तो कुछ व्यवस्थाएँ हम लोग भी कर देते हैं, अब हमारे जो सहजनी में किताबें आ जाती हैं तो उनको दे देते हैं हम उनके लिए। तो इस तरह उद्देश्य क्या होता है आपका मेन रूप से? हमारा उद्देश्य ये है कि जो लड़कियां हैं वो अपनी शिक्षा को पा सकें, अपने हक अधिकार ले सकें, और जो उनके साथ हिंसाएं हो रही अलग अलग तरह की, छोटी उम्र में शादी करे तो हिंसा का बहुत बड़ा रूप ले लेती, उन लड़कियों की हिंसा हत्या हो या किसी की, तो उन लड़कियाँ कम से कम अपने हक अधिकार के बारे में जान पाती हैं, बोल पाती हैं और आवाज़ भी उठा पाती हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।